तरीके की क्रेडिट लेनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये लोग मुगलिया दौर में पैदा नहीं हुए, नहीं तो बोलते थे ताजमहल हमने बनाया। जफर भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा मुमरा में चला आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम भी हुआ था शमीम भाई का, उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे लोग लाश पर से गुजरने की बात कह रहे हैं और अगर मुझे वो भी करना पड़ा तो मैं कर डालूंगा। जबकि ये था कि जब जब भी टोरेंट का धरना आंदोलन हुआ, टोरेंट को लेकर के, उसमें जब आप शरद पवार पार्टी में थे तो आप भी वहां पर थे, आपने भी विरोध किया और लगातार आप पार्टी में रहते हुए भी विरोध करते आ रहे थे। तो अभी टोरेंट को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि वादा ये किया जा रहा है कि अभी आने वाले वक्त में मुमरा से टोरेंट हटा दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जहां तक शमीम खान साहब का सवाल है, शमीम खान साहब को भी गुमराह किया। उनसे ये कहा गया था कि जो उनके लीडर है, जो यहाँ के आमदार साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम मुमरा में टोरेंट को आने नहीं देंगे। शमीम खान साहब ने उनसे नागपुर उनसे मिले गए और उन्होंने कहा कि जाकर के तुम मुमरा में ऐलान कर दो कि मुमरा में टोरेंट नहीं आएगी। शमीम खान को गुमराह किया गया और उनकी गुमराही के देखते हुए उन्होंने आकर के यहाँ स्टेटमेंट दे दिया, जिनका खामियाजा बार बार शमीम खान साहब को भुगतना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, टोरेंट कंपनी जिन लोगों ने लाया है, फडणवीस साहब हाउस में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि हमको यहाँ के आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब ने कहा कि हमारे शहर मुमरा को प्राइवेटाइजेशन कर दो, या हाउस के अंदर कह रहे हैं। तो आवार साहब को उसका जवाब हाउस के अंदर देना चाहिए, ना कि हाउस के बाहर देना चाहिए। अगर उनको क्रेडिट ले, जिस तरीके से मुमरा शहर में हर चीज की क्रेडिट लेते हैं, उस तरीके की उनको ये क्रेडिट लेनी चाहिए कि हाँ टोरेंट मैंने लाया। उनको क्रेडिट यह लेनी चाहिए कि मैंने आज तक फोकस मार्केट नहीं दिया। उनको क्रेडिट यह लेनी चाहिए कि कब्रस्तान मैंने अधूरा किया। उनको क्रेडिट यह देनी चाहिए कि मुमरा में कोई बड़ी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ के यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इस तरीके की क्रेडिट लेनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये लोग मुगलिया दौर में पैदा नहीं हुए, नहीं तो बोलते थे ताजमहल हमने बनाया। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका क्रेडिट लेने वाले शहर में घूमते रहते हैं, पगार पे घूमते, 500 रुपया महीना दो, 500 रुपया पर डे का दो, जो चाहे बुलवा लो। अरे क्या है, क्या हो गया शहर को? अगर इस तरीके का आपने विकास किया होता तो ये सारी बातें शहर में पैदा नहीं होती। आज हर आदमी, हर तीसरा आदमी आपसे सवाल करने पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है। तो आपने शहर को एजुकेशन से महरूम किया। ताकि देखिए, कोई भी लीडर, ज्यादातर लीडर जो अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे जहनीत के लीडर होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, वो सोचते हैं कि जिस एरिया से मैं जीत करके आता हूँ वहां एजुकेशन दू। और जिन लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अगर इनको एजुकेशन दे दूंगा तो कल ये मुझसे सवाल करेंगे, सवाल करने वालों से नेता बहुत घबराते हैं। उसमें एक मिसाल मैं हूँ। मैं हमेशा पार्टी में रहकर टोरेंट का विरोध किया। मैंने इनके इनके सारे जो गलत काम होते थे, लोगों में झूठा FIR होता था, मैं उसका विरोध करता था। तो मेरा आज ये हाल है, मैं यहाँ आया हूँ, उसकी वजह यह है। तो क्रेडिट जब लेते हैं आप, हर चीज की क्रेडिट शहर में लेते हैं, तो इस चीज की भी क्रेडिट लेंगे जो शहर के काम के, शहर में अधूरे काम है, इसकी क्रेडिट लेनी चाहिए। जफर भाई, 2 दिन पहले जो है नजीब मुल्ला और आपकी टीम, नजीब मुल्ला की टीम और आप लोग सभी, यहाँ तक कि अश्विन भाभी भी, सैफ पठान जो MIM के कलवा मुमरा अध्यक्ष है, उन्होंने धरना प्रदर्शन कब्रिस्तान के मुद्दों को लेकर के किया हुआ है, वहां भी जाकर के आप लोगों ने समर्थन दिया। क्या वजह थी कि आपकी पार्टी उनको समर्थन की? शहर का मुद्दा है, हमारी आखिरी जमीन है, मरने के बाद हमको उसी जमीन में जाना है। अरे वो तो सैफ पठान है, एक मामूली सा बंदा जो रोज काम पर जाता है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। अगर वो रोड पर बैठ करके कब्रिस्तान के इश्यूज को उठाएगा ना, तो जफर नोमानी का या पूरी नजीब मुल्ला की टीम उसको समर्थन करेगी और पूरा शहर करेगा। वो कब्रिस्तान का मामला है, सैफ पठान बहुत अच्छा मुद्दा लेकर के बैठा हुआ है, बिल्कुल बात करनी चाहिए और शहर के लोगों को उसकी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, आप ये कहते हैं कि कमिश्नर को ये पावर है कि रिजर्वेशन यहां से वहां वो कर सकता है, लेकिन रिजर्व अगर यहां से वहां कर सकता है तो ये सोचना चाहिए कि कब्रिस्तान है उसको दलदल की जगह ना देते हुए बेहतरीन जगह देना चाहिए था, दलदल की जगह बिल्डरों को दे देना चाहिए था, जिससे आप लोग फायदा उठा रहे, जहां आप पार्टनरशिप ले रहे हैं उनको देना चाहिए था। तुमने कब्रिस्तान ऐसी जगह उठा करके दे दी। सैफ पठान को हम समर्थन करते हैं। सैफ पठान का मैं इनको चैलेंज करता हूं, इनकी माँ ने अगर दूध पिलाया तो सैफ पठान के स्टेज पर जाए। सैफ पठान ने तिरंगा रैली को लेकर के उन्होंने एक मीटिंग लगाया था, उन्होंने नॉन पॉलिटिकल लगाया था आफरीन हॉल में, जफर नुमानी उसका समर्थन में गया था। इनके पार्टी का एक आदमी उस तिरंगा रैली में नहीं गया, क्यों? वजह क्या थी मालूम है? क्योंकि उसकी क्यादत इम्तियाज जलील साहब करते। मुसलमान है, डरते हो क्या? मुसलमान तो वोट तो लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो,
तिरंगा रैली इम्तियाज जलील लेकर निकलता है तो उसके समर्थन में नहीं उतर तो जफर नूरानी और नजीब मुल्ला की टीम पूरी लेकर के पूरा समर्थन की था। मैं उस रैली में नहीं गया था। और आपको एक चीज और बता दूं, हमारे नजीब भाई ना काम करके बहुत सारी चीजों को बताता रही। जब आप मुलुंड टोल नाके में पहुंचे होंगे तो वहां एक लंगर चल रहा था खाने का, जब लाठीचार्ज हुई वो लंगर वो खाने का इंतजाम आज मैं बोलना चाहता हूं कि कुछ चीजें दिखा के करनी चाहिए। वो लंगर जो खाने का इंतजाम था ना वो नजीब मुल्ला साहब ने किया था, क्योंकि बाहर के लोग आकर के वहां पर उठे हुए। तो हमारा ये हम चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर वो देश के हित में शहर के हित में अपने समाज के हित में जिससे दो समाज जुड़ता है उसके लिए अगर कोई काम करता है तो जफर नवानी, अश्विन मैडम, नेहा नाइक और पूरी नजीब मुल्ला की टीम उसके साथ हमेशा तन मन धन और पूरी ताकत के साथ खड़ी रही। आज मुमरा में लाइब्रेरी की ओपनिंग थी, 15 साल से लाइब्रेरी को जद्दोजहद हो रही थी, आज ओपनिंग थी उसको कैंसिल किया गया और रतन टाटा जी का जो देहांत हुआ उसकी वजह से क्या? देखिए रतन टाटा जी के बारे में मुझे बहुत ही उनसे हमदर्दी है और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इतना बड़ा डोनेटर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था, उसने जात पात नहीं देखा, ये बड़ी बात। मैं मुझे दुख है इस बात का, लेकिन क्या है मालिक की चीज है, मरना सबको है, एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है तो उनका वक्त पूरा हो गया वो चले गए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वो लाइब्रेरी की मांग मुमरा शहर में आरटीआई वाले बहुत घूम रहे हैं, उनको जाके पूछो उस लाइब्रेरी की 2017, 18, 19, 20, 21, 22 जफर नोमानी के लेटर है आरटीआई में जाकर के देखो। हाउस में मैंने मांगनी की थी लेकिन मेरी बदनसीबी ये हुई कि कोविड आ गया और मुझे कारपोरेशन ने बजट नहीं दी। उसका बजट ठीक है उन्होंने शासन से लाया बना वहां पर, लेकिन जिस तरीके से उस लाइब्रेरी को भरना चाहिए था, मैंने अभी एक पोस्ट लिखा, किसी ने लिखा है कि वो पोस्ट जहां पर वो लाइब्रेरी बनी है वो स्कूल की रिजर्वेशन है और वहां पर लाइब्रेरी बन गया। अरे क्या हो रहा है, बेच रहे पूरे शहर का सौदा कर रहे हो क्या कि इसको उधर उठा करके उसको उधर उठा करके बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए? लाइब्रेरी की मांग जफर नोमानी की है, कम्युनिटी हॉल की जफर नोमानी की मांग है, आरटीआई निकालो उनके लोगों को बोलो, इनके पास खबरी बहुत है, दलाल खबरी बहुत है, इनको बोलो कि जाके आरटीआई निकाले और बोले कि जफर नोमानी झूठ बोल रहा है तो जफर नोमानी ऑन कैमरा बोल रहा है कि शासक से त्याग दे दूंगा। कम्युनिटी हॉल और आपका लाइब्रेरी, मैंने एक रिहायश सेंटर और ओल्ड एज हाउस, ये चार चीज की मेरी कंटिन्यू मांगनी थी। और मार्केट मार्केट के मांगने में हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि शहर के और लोगों ने भी लाइब्रेरी सब चीजों की मांगनी की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मांगनी मेरी है। क्रेडिट जाकर के ये ले रहे हैं, जाने दो खाली, सिर्फ क्रेडिट लेंगे 2000 अभी इलेक्शन में, इंशाल्लाह आवाम उसका जवाब दे देंगे। सफर भाई एक आखिरी सवाल है, मुमरा के हॉकर्स को लेकर के आए दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है और जिसको शरद पवार गुट के जो विधायक हैं जितेंद्र अवार, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने 2 एकड़ जमीन हॉकर्स को उनके नाम पर करके दिया हुआ है, वो जब चाहे तब जा करके उसमें बस सकते। वही दूसरी जगह जो है, जब आप शरद पवार गुट में थे तो आपने देखा होगा कि एमएम वैली के पीछे मतलब स्टेडियम के सामने जो हॉकर्स लोगों को अलर्ट करा करके दिया गया, वहां पे चर्सी नशेड़ी बैठ करके नशा खुलेआम बिक रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी एक्शन किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। आपको एक चीज और बता दूं, नशेड़ियों का जो संरक्षण कर रहे हैं ना वो यही लोग कर रहे हैं। तमाम नशेड़ी आज मीडिया में आकर के उनके फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा कि हाँ ड्रग्स में बेचता हूं, एमडी में बेचता हूं, वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे। और मुझे तो लगता है 2 एकड़ जो हॉकर्स है ना, हॉकर्स की जगह स्टेडियम की जगह बच्चों के प्लेग्राउंड की जगह और शहर में जो जो रिक्वायरमेंट है ये सारी जगहों का जो उन्होंने रिजर्व जो प्लान पास करके रखा है ना वो चांद पे रखा है। अभी चांद पर नई दुनिया बसाएंगे और ये वहां जाएंगे, वहां इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं पर ये सारी चीजें वो बना करके रखे। शहर वालों को आज 15 साल से दिख ही नहीं रहा, या तो हमको मिस्टर इंडिया का चश्मा दे दीजिए हो सकता है उससे दिखे, हमको तो नहीं दिख रहा है। चांद पे मुझे लगता है ये लोग चांद पर सारी चीजों को बना करके रखे। अब मुमरा वालों को हो सकता है ये चांद पर हमेशा दिखाते ना, चांद दिखाते हैं हथेली पे चांद, हो सकता है वहां लेकर के जाए कोई रास्ता बनाए, कोई ट्रेन बनाए, कोई मिसाइल ऐसी बनाए जिसमें बिठाएंगे और वहां लेके जाएंगे, बोलेंगे चलो भैया शहर में तो नहीं मैंने बनाया, चलो चांद पे दिखाता हूं।